खरगोन जिले में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जोरों पर है। ऐसे में आमजन पुराने अस्पताल परिसर में कोविड सेंटर पर जाकर बढ़ चढ़कर टीकाकरण करवा रहे हैं। लिहाजा बढ़ते संक्रमितों के आंकड़ों को देखकर हर कोई जल्द से जल्द टीका लगाकर महामारी को मात देने की जद्दोजहद कर रहा है। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग अपने नंबर के इंतजार में बैठे दिखाई दिए। वहीं डॉक्टर संजय भट्ट ने जिले भर के लोगों से अपील की है कि टीकाकरण में सहभागी बने। डॉक्टर ने बताया कि छूटे हुए लोगों के टीकाकरण के लिए टीम बनाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कोविड का वैक्सीन जो है लग रहा है और हम सबको लगवाना चाहिए। अभी काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, फिर भी मैं एक घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ, लाइन में लगी हूँ। और सभी को मैं सभी से अपील करती हूँ कि सभी कोविड वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, और इससे कोई नुकसान नहीं है और सबके लिए अच्छा है। ये बढ़िया है, जैसा कलेक्टर महोदय के जो आदेश भी हैं और कलेक्टर महोदय ने भी जो प्रचार प्रसार अपने विभागों से करवाया है, दूसरे जितने भी विभाग हैं जैसे महिला बाल विकास है, पुलिस विभाग है, अपना रेवेन्यू है और अपने पंचायत है, इसके बाद कलेक्टर मैडम का बहुत सहयोग रहा और उनमें जागरूकता इसलिए लाना पड़ी कि यदि ये डोज लग जाएंगे इनको, यदि टीकाकरण हो जाएगा तो जितने संक्रमित व्यक्ति हैं उनमें उतनी गंभीरता नहीं रहेगी जैसे पहले गंभीरता रहती थी। तो इस तरह यदि वैक्सीनेट हो जाते हैं तो व्यक्ति कम से कम कोरोना इन्फेक्टेड यदि होगा भी तो इतनी गंभीरता नहीं रहेगी और सुरक्षित रहेगा। माना जाए कि लोगों में तो कोरोना के प्रति डर है, मतलब नहीं डर तो है ना, डर तो स्वाभाविक, डरना ही है, यही तो कहा है, मैसेज भी यही है कि डरना जरूरी है। डिस्टेंस, हैंड वॉशिंग है ना, मास्क इज नेसेसरी, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, हैंड वॉशिंग जरूरी है। पर इसमें भी जो कलेक्टर मैडम ने हमको जो आदेश दिए हैं इसमें सभी लोगों में हमें जो जागरूकता फैला रहे हैं, मास्क प्लस टीकाकरण बहुत जरूरी है। टीकाकरण के लिए ही हम लोग सारे के सारे व्यक्ति जो 45 साल से ऊपर हैं उन लोगों को पूरा टीकाकरण हो जाए। अन्य समाज के लोग हर कोई आ रहा है टीका लगाने के लिए, मुस्लिम समाज के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, इसका क्या कारण क्या है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो, हमने मैडम को भी नॉलेज में भी लाया है तो उस जागृति के लिए अभी भी जैसे मैडम ने हमें कहा है कि हम वार्ड में भी उसी वार्ड में जाएंगे जहां रेजिस्टेंस है, जहां ये मना कर रहे हैं उसी वार्ड में जाकर हम, जैसे निर्देश दिए कलेक्टर मैडम ने, हम बिल्कुल वहां जाकर के उस वार्ड में हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। और वहां के जो भी पार्षद हैं, जो भी समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो अपने समाज का जो बड़ा बुजुर्ग आदमी, उन लोगों को लेकर के हम फिर टीकाकरण करवाएंगे। कोरोना है क्या शरीर से लोगों को एक जागरूकता की जरूरत है, लेकिन अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना बीमारी है क्या। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो वायरस है, तो वायरल बीमारी है, और इस टाइम भी अलग आप भी पढ़ भी रहे होंगे, यदि इतना ज़्यादा ये जो हो रहा है संक्रमण, इससे बचने के लिए अपने पूर्ण रूप से टीकाकरण होना जरूरी है। क्या नाम सर आप? डॉक्टर संजय भट्ट, जिला टीकाकरण अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।